दमोह जिले के जबीरा में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि आज दर्जनों किसानों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंसूर की फसलें नष्ट होने से सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा के जबीरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि जबीरा क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि से अधिक भूमि में लगी मसूर की फसल अतिवृष्टि कोहरे से बर्बाद हो चुकी है। पटवारियों द्वारा जांच कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए एवं कई वर्षों से किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्ण रूप से अतिवृष्टि एवं कोहरे से मर चुकी फसल की बीमा राशि भी हम सभी किसानों को दी जाए। दमोह से जिला ब्यूरो यशवेंद्र सिंह हजारी की रिपोर्ट। टीका राम मिश्रा। अच्छा, तो कितनी फसल खराब हो चुकी है आप लोग? हमारी 7 एकड़। 7 एकड़। किस गांव से हुआ? कोरता। कोरता से जी। क्या चाहते हैं आप तहसीलदार? मुआवजा चाहते हैं। मुआवजा चाहते जी। क्या नाम भाई? कोरता से। क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी 15 एकड़ में मसूर एवं चना की फसल लगी थी, जिसमें एक दाने की भी आशा नहीं है। अच्छा। पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, इसलिए माननीय तहसीलदार महोदय और कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित होकर सब लोग आए हैं और वहाँ तक ये संदेश पहुँचे और जल्दी से जल्दी खेतों की जांच कराकर और उचित मुआवजा राशि दी जाए, बीमा की राशि दी जाए, क्योंकि फसल के कुछ दिन बाद अभी वो कट जाएगी, थोड़ी बहुत है जो भी, इसलिए जल्दी से जल्दी कराया जाए, इंक्वायरी की जाए। धन्यवाद।